अरे ये क्या, पाव भाजी का रंग बदल गया या मेरे फोन में कुछ सिस्टम चेंज हो गया? नहीं, आपका फोन भी बराबर है, सिस्टम भी बराबर है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप सोच रहे हो ये कौन सी कलर की भाजी है, तो मैं बताती हूँ, ये पिंपल के सोचने के अलावा ये है ग्रीन पाव भाजी, यानी कि हरियाली पाव भाजी। तो चलो देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पालक को ब्लांच करके रखा था और उसको फिर पेस्ट कर दिया। टमाटर की पेस्ट ले ली, प्याज की पेस्ट ले ली, और फिर ये है बटाटे जिसको मैंने बॉईल करके स्मैश कर लिया है। कैप्सिकम बारीक बारीक कटा हुआ, ये सब मैंने फूड प्रोसेसर में धड़ाधड़ कर लिया है। और फिर ये है ग्रीन टमेटोज, जी हाँ ग्रीन टमेटोज लिए हैं। फिर है लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट और ग्रीन चिली। सो गाइस, अदरक की पेस्ट इग्नोर करना अगर नहीं डालना है तो। फिर है गरम मसाला, नमक और जीरा, और ये है हरे मटर जिसको बॉईल करके पीस लिया है। तो ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है हरी पाव भाजी के लिए। एक्चुअली मैं टमाटर भी मैंने ग्रीन लिया था, बट थोड़े कम पड़े तो मुझे थोड़े रेड टमाटर लेने पड़े। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी, ढेर सारा शुद्ध घी जो मैंने घर पे नहीं बनाया है, इट्स ऑल रेडीमेड। तो शुद्ध घी डाल देते हैं। और आज मुझे बहुत मन किया कि कुछ खुराफाती अलग चीज़ बनाओ, इसलिए पाव भाजी का जो रेगुलर है उसको चेंज करके बना दिया है हरियाली पाव भाजी, क्योंकि हमारे मुंबई में हरियाली कम हो रही है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, जैसे हम बहुत गुस्से में आते हैं फिर हम थोड़े शांत हो जाते हैं वैसे ही। तभी हम डाल देंगे जीरा, जीरा को अप डाउन डांस डांस करने देंगे। और फिर उसमें डालेंगे हम प्याज जो मैंने फूड प्रोसेसर में किया है। गाइस, अगर जब हमारे पास मशीन वैसा हो तो हम हाथों से क्यों काटे और टाइम वेस्ट करें। टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, फटाफट खाना भी बनाना है, आज मैच भी है तो सब कुछ एंजॉय करना है। तो उससे लिए फटाफट करते हैं भाजी की तैयारी। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा अच्छे से कुक होने देंगे कि प्याज का कच्चापन चला जाए, प्याज पक जाए। और फिर डालेंगे हरी मिर्च की पेस्ट, क्योंकि हम बना रहे हैं हरियाली पाव भाजी, तो इसमें लाल मिर्च, लाल मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। तो हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार, कितना तीखा खाते हो। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना हरी मिर्च लिया, क्योंकि मेरी भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर भाजी संडे को बनाते हैं तो शाम को भी थोड़ा खा सकते हैं, और मैं कल टिफिन में भी लेके जाऊँगी दोस्तों को खिलाना और पूछूंगी इसमें क्या है, क्या बनाया है, बताओ बताओ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। फिर उसमें डालेंगे लहसुन की पेस्ट, अगेन अच्छे से मैंने लहसुन का पेस्ट कर दिया तो वही इसमें डाल देंगे। गाइज, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं है कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ एक तरीके से घर वालों पे बना के हरियाली पाव भाजी। पहले तो मेरे सबसे ज़्यादा खुश हुए मेरे मामा, क्योंकि वो हेल्दी है, मतलब उनको थोड़ा हेल्थ का ज़्यादा है कि सब हेल्दी खाए, तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पालक आ रहा है। और एक बात कि पालक के साथ मैंने धनिया भी डाल दिया था पेस्ट करने के लिए। तो जी हाँ, पालक और धनिया का पेस्ट एक साथ है, बस पालक को ब्लांच किया था और धनिया फिर ऐसे ही डाल दिया था ऑफ़ कोर्स। तो अभी अच्छे से मैं इसको स्टर कर रही हूँ ताकि कच्चापन चला जाए, और मुझे बड़ा अभी से ही अच्छी खुशबू आ रही थी। एक शेफ़ का रहता है कि खुशबू से समझ में आता है कि खाना कैसा बना है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से घी भी डाला था, आप सिर्फ बटर में बना सकते हो, घी बटर में बना सकते हो, ऑयल और घी में बना सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको भी सताड़ने के बाद, मेरे हाथ दुखने के बाद, अब इसमें डालेंगे हम क्या डाला क्या डाला ये है कच्चे टमाटर। जी हाँ, कच्चे टमाटर को भी मैंने अच्छे से फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लिया है, तो एकदम फाइनली चॉप जैसा हो गया है। और मैं खुद पहली बार यूज़ करी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि बहुत लोग तो यूज़ करते हैं बट मैंने पहली बार किया है। और कच्चे टमाटर थोड़े कम थे, इसके लिए मैंने थोड़े अपने असली टमाटर तो नहीं बोलूँगी, अपने लाल टमाटर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, ताकि उसका जो खट्टापन है वो इसी से आ जाए। तो इस
तो यहाँ पे बस हम अच्छे से स्टर कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी है टमाटर बहुत छोड़ता है, तो वो पानी को थोड़ा सा मीडियम करते हैं और फिर उसमें ऐड करते हैं कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम अच्छे से ऐड कर लिए हैं और अब इसको स्टर करना है, स्टर करते जाना है। देखो गाइस, मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि हम शाम को भी यही खाने वाले हैं। तो आपके क्वांटिटी के हिसाब से सारे मसाले और वेजिटेबल्स लेना, आपको ज़्यादा पता रहेगा कि आपका क्या क्वांटिटी है। और ये है हरे मटर की पेस्ट। तो यहाँ पे थोड़े से अक्खे भी रह गए हैं, तो उसको मैं बाद में स्मैशर से स्मैश कर दूंगी। तो फिलहाल देखो कितना इजी होता है अगर आपके पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट हो जिससे आपकी सारी सब्जियाँ फटाफट चॉप हो जाती है, पेस्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको जल्दी बनाना हो, कोई गेस्ट आ रहे हैं और वो बोर हो चुके हैं नॉर्मल पाव भाजी से, डेफिनेटली यू शुड गिव दिस अ ट्राई गाइस, बहुत मस्त है। और इसी से बोलते बोलते मेरा मुंह, मेरा हाथ सब थक चुका है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इतना बोलती हूँ, बट मुझे मजा आता है। इसी के साथ देखो मैं पाव भाजी को भी पका रही हूँ मेरी बातों से, ताकि जल्दी पक जाए। फिर आता है पोपाय द सेलर मैन, फुल स्टॉप। अगर आपको याद हो तो वो कार्टून आता था और पता नहीं क्यों वो इतना पालक खा के उसमें ताकत आती थी। मैंने सोचा चलो आज मैं भी डालती हूँ उतनी पालक, क्या मुझ में भी उतनी ताकत आती है या नहीं, वो तो देखेंगे पालक डालने के बाद और ये भाजी बनने के बाद और टेस्ट करने के बाद क्या मैं भी इतनी स्ट्रांग हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट डाल दी है पालक की, जिसमें है धनिया की पेस्ट भी, और फिर डालते हैं नमक शमक डाल देते हैं। मुझे बताना ये कौन सा शेफ बोलते हैं ये। और फिर आता है मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बिना टेस्ट नहीं आएगा, बादशाह का पाव भाजी मसाला। बादशाह मसाला, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ये तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बादशाह का पाव भाजी बड़ा पसंद है, आई मीन कि पाव भाजी का मसाला पसंद है। तो इसी से जो खुशबू आने लगी थी, मुझे लगा मैं ठेला खोल दूँ तो भी एक नंबर चलेगा। फिर उसमें डाल दिया मैंने मक्खन, क्योंकि मक्खन से क्या हर काम फटाफट होता है और अच्छा भी लगता है। शाने लोग समझ गए रहेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, वो वाला मक्खन नहीं, खाने वाला मक्खन की बात कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा मक्खन वाले वाले लोग तो मुझे पसंद भी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। एनीवेज, इसी से हमारी भाजी ऑलमोस्ट अभी थोड़ा पकेगी। मैंने ढक दिया था, फिर खोल दिया था, तो देखो अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। फिर एंड में डालेंगे इसमें बॉइल्ड पटेटोस। तो मैंने यहाँ पे मासे की हेल्प ली और उसको बोला प्लीज़ तो इसमें ऐड कर दे, और मैं बीच बीच में स्टर करती रहूँगी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड भाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा रहेगा देखने को। और अभी फाइनल स्टेज है, क्योंकि मैंने थोड़ा उसमें पानी ऐड किया था एंड अभी आप देख सकते हो क्या कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। तो वो जो आपने देखा था वो मैंने बस ऐसे ही फोटो लिया था देखने के लिए, और बाद में मैंने इसको स्टर किया थोड़ा पानी ऐड करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो खाना खाते वक्त तो ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगी। तो भाजी थोड़ी पल्पी मुझे पसंद है, तो ये कंसिस्टेंसी में हम भाजी को होने देंगे फॉर 2 to 3 minutes एंड देन गैस ऑफ कर देंगे। अब इसमें आती है दूसरी हरियाली पत्ती जो आई है अफगान से, ये है कोरिएंडर लीफ जो मैंने फाइनली चॉप कर। भाजी हो चुकी है और अभी हम सेकेंगे पाव। तो यहाँ पे हल्का सा बटर को ड्रिजल किया और उसमें अच्छे से सेक देंगे। तो ये थोड़ा मेल्ट हो चुका है बटर, ताकि अच्छे से सेक जाए, घी में भी सेक सकते हो। तो यहाँ पे पाव ऑलमोस्ट मेरे सिक चुके हैं। अब मासी ने बोला चलो पूरा ही अच्छे से बनाते हैं पाव भाजी, तो यहाँ पे वो मेरे लिए हेल्प कर रही है। सो शी इज़ फ्राइंग पापड़, और पापड़ तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एनीवेज, आई एम एक्साइटेड टू ट्राई। तो ये आ चुकी है भाजी, उस पर डाला है थोड़ा सा बटर हल्का सा लास्ट में, और फिर उसमें ऐड कर देंगे हमारे पाव जो मैंने मस्त लथपथ सेक के रखे हैं बटर में, एकदम बटरी पाव है, सॉफ्ट रखे हैं। और ऑफ कोर्स पाव भाजी इज इनकम्प्लीट विदाउट चीज। स्माइल करते वक्त तो हम चीज बोलते ही है, अभी तो पाव भाजी भी बोल रहे हैं चीज।
सो लेट्स ऐड चीज इन द भाजी. जितना आपको फैट्स चाहिए उतना आप आपके हिसाब से चीज ऐड कीजिए. ये तो मैं मेरी बहन को दूंगी इसलिए मैं चीज थोड़ा ज्यादा डालूंगी. मैं तो विदाउट चीज ही खाती हूँ. अब चीज डालने के बाद ऐड करेंगे धनिया की पत्ती, हरी पत्तियाँ, कोरिएंडर लीव्स और साइड में लेंगे टमाटर और प्याज का कचुंबर यानी कि सैलड, जो कि बहुत ज़रूरी है पाव भाजी में, वरना उसके बिना पाव भाजी का क्या मज़ा. और फिर उसमें डालेंगे हम हाफ नींबू की स्लाइस रख दी है, अगर थोड़ा चटपटा चाहिए तो. एंड अगेन फॉर गार्निशिंग फाइनल इट्स धनिया. फिर बनाएंगे फटाफट से मसाला पापड़, क्योंकि पापड़ फ्राइड है और मैंने चॉप करके ऑलरेडी रखा है प्याज और टमाटर, तो सोचा फटाफट इंस्टेंट बना देते. वैसे तो इसमें और भी है, तो मैं जब बनाऊंगी प्रॉपर इसकी रेसिपी तो मैं आपसे शेयर करूंगी. अभी तो ऐसे ही टाइम पास साइड में क्रंच के लिए और मज़ेदार लगे. होटल में तो बहुत महंगा आता है बाबा. तो बस मैंने प्याज टमाटर थोड़ा हरा धनिया और फिर ऐड किया है हल्का सा चाट मसाला. ये आ गया हमारा एवरेस्ट का चाट मसाला. तो किस बात की देरी, हमारा पापड़ तैयार है, भाजी तैयार है, सैलड तैयार है, पाव तैयार है. चलो जाते हैं और सीधा करते हैं टेस्टिंग पाव भाजी का. लेट्स टेक फर्स्ट बाइट. मैंने भी थोड़ा हल्का सा चीज़ डाला जस्ट देखने के लिए कि कैसा लगेगा. फिर मैंने वो चीज़ ही पार्ट दे दिया था मेरी बहन को. देखो इसमें मैंने इतना चीज़ लिया नहीं है, इट्स प्लेन. एंड लेट्स टेस्ट इट. ओ माई गॉड गाइस, सच बता रही हूँ, अगर आप ये भाजी बनाओगे आप सारी भाजियाँ भूल जाओगे. बाहर टक्कर है बाहर की भाजियों को. साथ में मैंने लिया था डाइट कोक, ऐसे ही मैंने मेरी बहन ने शेयर किया. अब देखिए अब मामा का रिव्यू, क्योंकि उनको तो ये बहुत अच्छा लगा हेल्दी वे में है. सो लेट्स सी हाउ ही इज लाइकिंग. सॉरी पीछे IPL का चल रहा था तो मैं तुरंत बंद नहीं कर पाई टीवी, बट उन्होंने बोला वाव ग्रेट. एंड एक्चुअली में इट वॉज यम यम यमी इन माई टमी टमी टम. गाइज सीरियसली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग को प्लीज़ ये रेसिपी फॉलो करना और ये ज़रूर बनाना. आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतनी मज़ेदार भाजी बनी है. और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो.